बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन FG कैंट और वेरिजन्स में ज़बरदस्त जो है वो पूरे पाकिस्तान के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए असामियों का ऐलान किया गया है, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर जो SST है, BPS 17, पूरे पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम जितने भी सूबे हैं उन तमाम शहरों के लिए ज़बरदस्त जो है वो असामियों का ऐलान किया गया। हम मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र यूज़ करके यहाँ पर गूगल पे लिखेंगे educatives.com। जैसे ही आप educatives.com करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो जो पहला लिंक आपके सामने नज़र आएगा educatives एजुकेशनल लर्निंग पॉइंट के नाम से, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स की बेस के ऊपर भी इंफॉर्मेशन सर्च की जा सकती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FPSC जॉब 2020, ये बिल्कुल लेटेस्ट आपके सामने जो है वो अपडेट नज़र आ रही है। लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रही, ये अपडेट्स हो जाती हैं, तो सिंपल आपने लिखना है FPSC, सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जितनी भी FPSC के रिलेटेड पोस्ट होंगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MCQs हैं, उसके बाद पोस्ट हैं, वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल FPSC जॉब 2020 जोन फॉर टीचर्स एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फॉर मेल एंड फीमेल फॉर एडवर्टाइजमेंट लेटेस्ट, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो हम आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी हैं और किस तरह जो है वो प्रिसाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो जॉब लोकेशन है पूरे पंजाब के जो है वो कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, एक्स फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर। पब्लिश डेट इसकी है 5 जून 2020 फ्राइडे, लास्ट डेट इसकी है 22 जून 2020। न्यूज़पेपर है जंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है PSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। एजुकेशन कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मास्टर कंप्यूटर साइंस, जैसे कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर्स हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके इक्विवेलेंट, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, MCS है, मास्टर 16 की एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस के कोई भी डिग्री वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मास्टर डिग्री विद BEd, ये है सेकेंडरी स्कूल टीचर के साथ के BEd उनके लिए मस्ट है और 16 ईयर एजुकेशन होना चाहिए। MA एजुकेशन और MEPM वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्योर सरकारी जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं, ठीक है। इसकी मुकम्मल तफसील बात की जाए तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है मेल, उसकी जो है वो 73 सीट्स अनाउंसमेंट की गई है। मेरिट 6, मेरिट का मतलब ये होता है कि पूरे पाकिस्तान में से कोई भी यहां पर अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई कोटा नहीं है। मेरिट 6 सीटें हैं, पंजाब की जो है वो 36 हैं, सिंध रूरल की 8 हैं, सिंध अर्बन की 6, KPK की 8, बलोचिस्तान 4, एक्स फाटा की 2 और गिलगित बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 है। इन सब तमाम पंजाब तमाम सूबों के अलावा ये सीटें जो है वो पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये अलग सीटें हैं और ये अलग सीटें होंगी। टोटल जो है वो 73 मेल हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल है, उसकी जो है वो 59 सीट्स हैं, मेरिट 4 हैं, पंजाब की 29 हैं, सिंध रूरल की 7 हैं, सिंध अर्बन की 4, KPK के 7, बलोचिस्तान की 4, एक्स फाटा की 2 और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है और आज़ाद कश्मीर की भी 1 सीट है। अब सेकेंडरी स्कूल टीचर की बात की जाए, SST मेल उसकी 65 है, मेरिट पूरे पाकिस्तान के लिए 5, पंजाब 32, सिंध रूरल की 8, सिंध अर्बन की 5 हैं, KPK की 8 हैं, बलोचिस्तान की 3, एक्स फाटा की 2, गिलगित बल्तिस्तान 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो है वो 1 सीट है। इनका मतलब ये होता है कि पूरे पाकिस्तान के ये वाले जो सूबे हैं उनमें जो सीटें अनाउंसमेंट की हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे पंजाब से 32 सीटें कोई भी अप्लाई, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह बाकी भी सेम है। अब सेकेंडरी स्कूल टीचर SST फीमेल की बात की जाए तो उसकी भी 65 है, मेरिट 5, 32, उसके बाद सिंध रूरल की 8, ये और ये सीटें बिल्कुल सेम हैं। अब बात की जाए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की, PPSC टीचर्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जॉब्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमिसाइल क्या आना चाहिए, जो भी मुतलका सुबह होगा वो कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल एज जो है वो 20 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको 5 साल की जो है वो हुकूमत की तरफ से एज रिलैक्सेशन भी है। टोटल जो है वो 35, मतलब 35 ईयर्स ओल्ड जो है वो यहाँ पर मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। फिर फीमेल है उनके लिए भी 35 है। अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MA और MSc मिनिमम सेकंड डिवीजन, रेलिवेंट जो है सब्जेक्ट जो है वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। अब सिलेबस क्या है, आपका 100 नंबर का MCQs पेपर होगा और आपको टाइम दे दिया जाएगा, आपने वो अटैम्प्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको होगा और उसके बाद जो है वो आपके आगे जो है जितने भी टेस्ट होते हैं इंटरव्यू होगा। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट को लिंक करके आप सारी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ये भी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो है मैंने आपके कंसोलिडेट करके, मतलब सिर्फ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उसके बाद जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जो है वो ये मुकम्मल तफसीलात के साथ जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आप भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अप्लाई करने की।
यहाँ पर अप्लाई करना बहुत ही आसान है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अगर डायरेक्ट वेबसाइट विजिट करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये है कि FPSC एडवर्टाइजमेंट के लिए चलान फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने एक चलान फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो है वो चलान फॉर्म फिल करना है। तो 17 स्केल की जो है वो 300 रुपये फ़ीस है, तो उसके लिए आपने कोई भी मुतलका जो नेशनल बैंक या स्टेट बैंक है वहाँ पर जाना है, इस फॉर्म का प्रिंट लेकर जाना है और इसको फिल कर लेना है। पहले बैंक नेम के कहाँ पर आप जो है फीस जमा करवा रहे हैं तो उसका बैंक नेम लिख लेना है, उसकी बैंक कोड लिख लेना है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट जो बैंक ब्रांच है उसका जो है वो ज़िले का नाम लिख लेना, फिर आपका नाम आ जाएगा, फिर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपने जो है वो केस नंबर, मतलब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल BPS 17, तो इसका ये वाला जो केस नंबर है वो यहाँ पर आपने लिखना है। देखें F4 है तो यहाँ पर F4 लिखा होगा, यहाँ पर आपने सिर्फ लिखना है 36, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 36 है तो आपने इसी तरह 36 लिख लेना है, फिर उसके बाद ये 2020 ये यहाँ पर आपका 20 आएगा और R के बाद आपने लिख लेना है 4/2020 और यहाँ पर आ जाएगा 4/2020, मतलब 36, 20, 20 और 4/2020, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपने लिखना है एग्जामिनेशन फी द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपने पोस्ट नेम लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल BPS 17, तो ये वाला जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल BPS 17 जो है आपने यहाँ पर लिख देना है, फिर यहाँ पर आएगा 300 रुपीज़, यहाँ पर 300, फिर उसके बाद लिखना है 300 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला जो एक फॉर्म मैं आपको बता दिया है, इसी तरह आपने बाकी फॉर्म भी सारे के सारे इसी तरह फिल कर लेने हैं, ठीक है। बैंक का किस बैंक में जमा करा रहे हैं, आपका कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका नाम, फिर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर आपका यहाँ पे जो है वो केस नंबर, केस नंबर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये केस नंबर जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, स्कैंडरी स्कूल टीचर है तो उसका 77 है, फिर उसके बाद आर के बाद ये है, ये सारा ये देखिए यहाँ पर जो है वो आपने यहाँ पर फिल कर लेना है, ठीक है। तो अगर मतलब फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप जो है वो इस पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसको फिल करके इसको मुतलका बैंक में जमा करवाएंगे वो आपके पास आ जाएगी स्लिप, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आ रहा है ऑनलाइन FPSC ये वाला लिंक, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब्स हैं, जॉब्स में यहाँ पर जो है वो करंट जॉब के बाद जो है ये कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि आप टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो है वो लिंक ओपन हो जाएगा। अब सिलेक्ट जॉब है, सिलेक्ट जॉब के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो जॉब्स अनाउंसमेंट, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर की, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप फीमेल के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब जो है वो फीमेल है तो यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल ये देखिए यहाँ पर मौजूद है, सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल है, सेकेंडरी स्कूल ये जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो देख लीजिएगा। मैं सपोज कर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने जो है इन्फॉर्मेशन अभी आ जाएगी, ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अप्लाई फिर जॉब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, यहाँ पर आपने जिस दिन फीस जमा करवाई होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किस दिन फीस जमा करवाई है, ये डेट यहाँ पर देखें साल कौन सा है, जून कौन सा है, यहाँ पर डेट चूज़ कर लीजिएगा। फिर आपने कितनी जमा कराई है, 17 स्केल तक के लिए जो है वो 300 है वो आपने चूज़ कर लेना है। फिर आपने किस बैंक में जमा करवाई, देखें कि 3 जगह पर आप जमा करवा सकते हैं, नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है और यहाँ पर ट्रेजरी है। अब उसके बाद उस जो है वो ब्रांच का नाम लिखना है और उसका कोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने लिखना है कि आपकी जो बैंक लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट जो आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। सपोज करें मैं देखें मुल्तान सेलेक्ट किया तो मुल्तान के रिलेटेड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कि वो लोकेशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है। फिर यहाँ पर आपने डोमिसाइल चूज़ कर लेना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सूबे का यहाँ पर मैंशन है लिंक, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पंजाब। जैसे मैंने पंजाब किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेंडर या ये सिर्फ मेल के लिए मैंने सेलेक्ट किया, वो आपको पहले पता है कि मैंने वो कंप्यूटर सिस्टम मेल के लिए किया था, आपका फीमेल आएगा अगर आप फीमेल है तो मज़ब आ जाएगा कि मुस्लिम है नॉन मुस्लिम, फिर आपका अटक है मुल्तान है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वो आप चूज़ कर लीजिएगा, फिर आपका टेस्ट सेंटर कौन सा होना चाहिए, ये टेस्ट सेंटर है, इसके अलावा आपका कोई भी टेस्ट सेंटर नहीं होगा, DI खान गिलगित, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिशावर, कोई टेस्ट कर दूँ और सखर, ये कुछ चंद जो लिस्ट है, इसके अलावा आप कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैं सपोज करें मुल्तान कर लेता हूँ। इंटरव्यू सेंटर, यहाँ पे अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू सेंटर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर, कोयटा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो है वो डिग्री आपके पास है, ठीक है जी बिल्कुल है। फिर उसके बाद आप जो अपना जो लास्ट डिग्री होगी 16 एजुकेशन की उसके एंड के ऊपर लिखा होता है ऑन डेट ही, तो वो आपकी वो वाली डेट जो है वो यहाँ से आपने चूज़ कर लेनी है कि आपके किस साल की जो है वो डेट थी, तो यहाँ पर आपने इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें यहाँ पर 4/5/2018 आ जाएगा,
जो आपने अपनी लास्ट डिग्री है उसकी डेट देख लेनी है। फिर यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा 8 5 1 7 8, वो आपने नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आगे जो है वो स्टेप टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो एजुकेशन के बारे में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपने एजुकेशन जो है वो मेंशन कर, फिर आपका एक्सपीरियंस होगा, इसी तरह आपने सारी डिटेल जो है वहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। तो ये इस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, पहले फीस जमा करवानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी डिटेल समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो आप अपने दोस्तों के साथ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और ये देखें ये सोशल मीडिया है, इसके थ्रू से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू है तो आपने सिर्फ यहाँ पर आना है, यहाँ पर कमेंट करना है, यहाँ पर पोस्ट करें। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तब भी आप यहाँ पर आकर कमेंट करें, मैं आपका जो है वो अप्लाई करने में भी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स होती हैं एजुकेटर्स में जो भी होती हैं पोस्ट, वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।